चलो, हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आपने यहाँ पे नोट ये सीखा था, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। हमने ये पढ़ा हुआ, अगर आपने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से तो बाय डिफॉल्ट इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बाय डिफॉल्ट 3 बड़ा है। बट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 से तो ये बन गया -4, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -6। तो बड़ा कौन हुआ अभी? -4। देखो साइन चेंज हो गया आपका। सेम वे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एंड आई एम आस्किंग यू टू डिवाइड नाउ, डिवाइड बाय -2, तो आप बोलोगे -1, डिवाइड बाय -2, तो यहाँ पे हो गया -1.5। बड़ा कौन है अभी इसमें? बाय डिफॉल्ट -1 बड़ा है। तो आपने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है जरूर। तो ये हो गया आप लोग का नोट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तो पहला है, रिप्रेजेंट इन इक्वेशन ऑन ए नंबर लाइन। तो ये अभी आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला बोला जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखो कितना सिंपल है। आपको करना ही क्या है, आपको चुपचाप से एक लाइन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहाँ तक जानी है? ऐसे लेके इंफिनिटी। पीछे कहाँ तक जाएंगे आप? माइनस इन्फिनिटी। कहाँ पे होल्ड किया आपने? आपने होल्ड किया 2 पे, तो ये 2 पे मार्किंग कर ली। अब ग्रेटर बोल रही है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर का मतलब होता है आगे जाना, 2 से आगे के नंबर चाहिए। अब 2 लेना है कि नहीं लेना है? 2 के आगे के नंबर तो लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 लेना है और 2 के आगे भी जाना है, ये गए आगे। एकदम क्लियर, बहुत सिंपल था। अगर कोई पूछेगा कि सर इसको इनइक्वालिटी इसमें लिखेंगे कैसे, हम लोग इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस इनइक्वालिटी को, तो मेरा आंसर होगा, एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरुआत किया आपने? 2 से। कहाँ पे एंड किया? इन्फिनिटी पे। 2 लिया कि नहीं लिया? लिया, स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी लेंगे कभी भी? नहीं लेंगे, राउंड ब्रैकेट। है ना, सिंपल था काफी। एक और ले लो फिर। चलो नेक्स्ट इज, एक्स इज लेस देन 1। देखो कितना सिंपल है ये भी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्स लेस देन 1, ये गए हम लोग यहाँ से निकल के इधर तक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नाउ वी नीड टू प्लॉट लेस देन 1। तो मेरा क्वेश्चन है कि 1 लेना है कि नहीं लेना है? 1 तो नहीं लेना है, हॉलो सर्कल रखिए। लेस बोला जा रहा है मतलब आगे जाओगे पीछे जाओगे, कम वाली वैल्यू से पीछे होती है, तो लेस का मतलब पीछे गए। कहाँ तक जाना है ऐसे पीछे? आपको जाना है ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होती है, ना इन्फिनिटी इंक्लूड होती है ना माइनस इन्फिनिटी। 1 होगा क्या? नहीं, 1 पे हॉलो सर्कल है, 1 भी नहीं होगा। था ना सिंपल कितना। अब थर्ड वन, थर्ड वन बोल रहा है 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। ऐसा लेस देन इक्वल्स टू एक्स, चलो एक काम करते हैं, लेस देन 3 लिख देते हैं, इक्वल यहाँ पे नहीं डालते। इक्वल आएगा तो आप खुद ही कर पाओगे, सिंपल है। पहले ये वाला देख लेते हैं, ये रही आपकी नंबर लाइन, अगेन हम गए इन्फिनिटी तक, हम पीछे गए माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मार्किंग किया 2 का, यहाँ पे मार्किंग किया 3 का।
टू लेना है क्या? यस टू लेना है। थ्री लेना है क्या? ना थ्री पे इक्वल नहीं है, नहीं लेंगे। कहां से कहां तक गए? यहां से यहां तक गए, तो ये वाला एरिया आपने शेड कर देना है। यहाँ पे मैं भूल गया था, मैंने अभी किया, और ये वाला एरिया भी शेड कर दिया। सिंपल था काफी। क्या लिखोगे आंसर? आंसर क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू, टू से चालू किया, थ्री पे खत्म किया। टू इंक्लूड करेंगे, थ्री इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल था। आगे देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। अब आपको मैं बोल रहा हूं, टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन टू। तो आप भी सोचो, मेरे को तो एक्स चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स आ गया, तो फटाफट नंबर लाइन पे चले गए। तो अभी एक्स लाने के लिए एक्स को अकेला करना होगा। एक्स को अकेला करने के पहले टू एक्स को अकेला करना होगा। अब टू एक्स कैसे अकेला होगा? टू एक्स के लिए हम ऐड कर देंगे। देखिए थ्री वो साइड जाएगा, तो ये क्या बन गया? फाइव। इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन फाइव अपॉन टू। अब अगर आपको मालूम पड़ चुका है कि एक्स आपका फाइव अपॉन टू से ज्यादा है, आप गए इन्फिनिटी, आप गए माइनस इन्फिनिटी, आपने मार्किंग ली फाइव अपॉन टू की। फाइव अपॉन टू के आगे जाना है आपको, तो फाइव अपॉन टू लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, इक्वल टू नहीं है, तो फाइव अपॉन टू के आगे गए और यहाँ पे इसे शेड कर देंगे इजीली। और फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू फाइव अपॉन टू कॉमा इन्फिनिटी। फाइव अपॉन टू इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, राउंड ब्रैकेट, दोनों पे राउंड ब्रैकेट। है ना इजी? एक अच्छा प्रॉब्लम करेंगे फिर अभी। अब आपको बोला जा रहा है माइनस थ्री एक्स प्लस इलेवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो क्या करना होगा? पहले तो इलेवन को वहां भेजना होगा। भेज दिया, हम लिखेंगे इलेवन उधर जाएगा, तो वन माइनस इलेवन कितना होता है? वन माइनस इलेवन माइनस टेन। अब बताओ क्या करूं? अब सोचो सोचो सोचो। अब आप बोलोगे सर एक काम करिए, डिवाइड बाय माइनस थ्री करेंगे। हाँ मैं लिख देता हूँ, एकदम सिंपल बात। क्या करना है हमें अभी? हमें एक्स को अकेला करना है, तो हमें यहाँ लिखना होगा डिवाइड बाय माइनस थ्री। अब ये करने से हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स, है ना, माइनस थ्री एक्स के नीचे माइनस थ्री कट हो गया, एक्स बचा। माइनस टेन के नीचे माइनस थ्री क्या बचेगा? टेन बाय थ्री। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात, जिन्होंने सोचा वेरी गुड, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ गएगा गाइस। क्यों चेंज होगा? आपने देखो क्या किया है, आपने डिवाइड किया है माइनस थ्री से। अभी तो लिखा था इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, है ना। तो अभी इसको हमें हाईलाइट भी करना होगा जैसे नॉर्मली करते हैं। ये रहा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टेन अपॉन थ्री के कहाँ जाना है? आगे या पीछे? पीछे। इंक्लूड करना है? हाँ करना है, इक्वल दिया है इंक्लूड करना है। गए पीछे तक और ये पहुंच गए यहाँ पे। शेड किसको करेंगे? जो एरिया कवर किया है उसी को शेड करेंगे। ये देखिए, और फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा टेन अपॉन थ्री। और माइनस इन्फिनिटी तो वैसे ही नहीं आने वाला है, टेन अपॉन थ्री तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसको इंक्लूड किया हुआ है, इक्वल दिया था मैंने वहां, था ना इजी। तो ये आप लोगों ने बहुत इजीली समझ भी लिया होगा। यू कैन पॉज द वीडियो और लिख सकते हो, मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम बोला गया है, वन जो है लेस देन इक्वल्स टू ए है, लेस देन इक्वल्स टू टू है, सॉरी लेस देन, सिर्फ इतना ही दिया है, लेस देन है, ठीक है। वन लेस देन
ए है और ए लेस देन टू है, कॉमा बी के बारे में बोल रहा है टू लेस देन बी है और यहाँ पे लेस देन थ्री है, और हमें बेसिकली फाइंड करना है कि ए जो ए प्लस बी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, किन दो के बीच में होता है। और वैसे हमें फाइंड करना है ए माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप गलतियां बहुत ज्यादा करते हो। अगर मैं आपको बोलूं ये एक नंबर है कोई तो और एक नंबर है ये, और मैंने बोला है कि ये भाई पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, आई डोंट नो नंबर क्या है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ नंबर है और नंबर है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है, और मैंने कहा यहाँ के इसे ऐड करना है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा है ना, तो ऐड करना पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ओके अभी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है उससे फर्क क्या पड़ता है, सपोज ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, ऐड होने के बाद पॉजिटिव नंबर ऐड होने के बाद पॉजिटिव ही देंगे ना, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ अगर एक कोई छोटा नंबर है पॉजिटिव में और एक बड़ा नंबर है पॉजिटिव में और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो मुझे सोच के बताना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, सही ना, सही। अगर ये बड़ा नंबर है और उसमें से आप छोटा नंबर माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट अभी क्या आएगा, अभी आएगा पॉजिटिव। जैसे आप समझ लो 5 और ये 2 है, माइनस करेंगे तो क्या आंसर है 3, ये 2 है और ये 5 है दोनों पॉजिटिव नंबर है बट मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -3। इसका मतलब दो इनइक्वालिटी को या फिर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा ध्यान देना होता है, वेयर एज ऐड करते समय कोई टेंशन ही नहीं है, उठाओ जोड़ दो खत्म हो गया सब। हाँ सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा सा सावधानी से काम करना। अब जो मैंने इतना सब कुछ बोला वो आपको समझ गया होगा, मैंने ए माइनस बी के लिए बोला है, तो फर्स्ट आई विल राइट ए विच इज गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 2, बी जा रहा है 2 से लेके 3, क्या करना है ऐड करना है, ठीक है ये लो ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा ए प्लस बी 2 प्लस 3 5 लिखेंगे, 1 प्लस 2 3 लिख देंगे, सिंपल। तो यहां पे मेरा आंसर आ गया, आई विल से आंसर हो गया 3 लेस देन ए प्लस बी लेस देन 5। अब बारी ए माइनस बी की, माइनस करना वैसे हानिकारक है काफी, तो थोड़ा सोच के काम करना होगा आपको, बट ऐड करना तो इजी है ना, माइनस करना डिफिकल्ट है, तो ऐड तो कर ही सकते हो। तो पहले मुझे ये बताइए कि 2 जो है वो b से कम है और b जो है 3 से कम है, क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं पूछ लूं माइनस बी, मतलब मैं बोल रहा हूँ माइनस मल्टीप्लाई करो सब जगह पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, अभी तो सिखाया था इनइक्वालिटी का साइन चेंज। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, माइनस 3 सबसे छोटा माइनस 2 सबसे बड़ा, इसका मतलब क्या मैं इस इनइक्वालिटी को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 3 लेस देन माइनस बी लेस देन माइनस 2, चलेगा ऐसा, बट ऑब्वियस ही चलेगा। अब आता हूं मैं इस पे माइनस करने वाले पे, तो मुझे ए तो आ गया, ए मेरा जा रहा है 1 से लेके 2, मेरा माइनस बी जा रहा है माइनस 3 से लेके माइनस 2। आप बताओ क्या कर रहे हो अभी, आप इनको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन तो डिफिकल्ट है, ऐड करना इजी है, ऐड करने पे क्या मिला ये a माइनस बी प्लस 2 माइनस 2 ऐड हो गए क्या बन गया 0, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2, तो आंसर क्या बैठ गया, आंसर हो गया माइनस 2 लेस देन
ए माइनस बी लेस देन जीरो, ठीक है ना। ऐसा ना कर देना सर ऐड करिए तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 2 देगा -1, 2 माइनस 3 देगा -1, मतलब -1 से निकल के -1 पहुंच गए, ऐसा तो थोड़ी होता है, तो ये गलत हो जाता है आपसे, ठीक है। नाउ एक और सम देखते हैं, इसे भी आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो प्लॉट ऑन नंबर लाइन, वही क्वेश्चन है। देखें पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत इजी है। तो क्वेश्चन है 1 less than 2x minus 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा कुछ तो करके मैं एक्स को अकेला कर दूं। अब भाई 2x-3 बैठा है, मुझे एक्स अकेला करना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं 3। अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये 1 + 3 हो गया 4। 3 को ऐड किया तो -3 + 3 क्या हो गया, कट हो गया, क्या बचेगा 2x। 3 को ऐड किया है तो यहाँ पे 2 + 3 क्या हो गया 5। अब ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ये तो याद होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू डिवाइड बाय 2। कैसे सर आपने सोचा, 2x से भाई, 2 से डिवाइड करूंगा। तो इफ आई डिवाइड बाय 2 आई विल से 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5/2। सोचो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? वी आर डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर, वी आर नॉट डिवाइडिंग बाय एनी नेगेटिव नंबर। फाइनली इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉटिंग तो काफी इजी है। आप गए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 5/2। 2 लेना है क्या? 2 नहीं लेना है, 5/2 हाँ लेना है, ये लो ले लिया, है ना। यहां से निकल के यहां तक आ गए, ये पार्ट को आपने कर दिया शेड, और यहां पे लिखा आपने आंसर एक्स बिलोंग्स टू 2, 5/2। 2 लेंगे नहीं, 5/2 लेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा इसके पास और इसके पास राउंड ब्रैकेट होगा। ओके कंफर्टेबल। सेकेंड वाला देखते हैं, ये अच्छा समय। तो आपको दिया गया है एक्स प्लस टू अपॉन -3 ग्रेटर देन -3x प्लस 4/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो हाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 गायब करना है, -3 गायब करना है, तो मैं बहुत शांति से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। अब इसमें कोई पंगा नहीं होना चाहिए बिकॉज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर से। तो ये बन गया आपसे, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ गया एक्स प्लस 2 के पास, तो ये बन गया 2x + 4 अपॉन -3। अभी 2 इधर पे, यह वाले नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा जो मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बनेगा -3x + 4। अब मैं बोल रहा हूँ -3 गायब करना है, ठीक है। तो -3 गायब करने के लिए बेस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा -3 से ही। अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हुआ और ये कट हो गया, तो ये बन जाएगा 2x + 4 -3x, और ये -3 मिलके 9x, 4 और ये -3 -12। इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। क्यों चेंज? आपको मालूम है क्यों चेंज, वेरी गुड। अब मेरा काम क्या है, मुझे तो एक्स को अकेला करना था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ 2x को वो साइड, 12 को ये साइड, तो ये बन गया 16। 2x यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 7x। इसका मतलब 16/7, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, 7 इज ए पॉजिटिव नंबर। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
इसका मीनिंग क्या है? 16/7 लेस देन एक्स। मेरे ख्याल से मैंने एक ही चीज लिखी हुई है, डोंट थिंक लाइक दैट कि मैंने कुछ साइन चेंज किया ना, यही चीज को ये लिख सकते हो। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा तो, दोनों चीजें सेम है। ऐसा मत सोचना सर ने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है ना, दोनों सेम चीज लिखी हुई है। 16/7 लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन 16/7, बात तो एक ही है। चलते हैं नंबर लाइन पे, तो ये रही मेरी नंबर लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये रहा मेरा 16/7। आगे जाऊं पीछे जाऊं? आगे, क्यों? क्योंकि ग्रेटर बोला है आपको, आगे गए। कितना आगे? आप जाओगे ऐसे 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 इन्फिनिटी तक। तो फाइनली आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू 16/7, इन्फिनिटी। 16/7 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, दोनों ब्रैकेट का साइज सेम होना चाहिए, तो ऐसा लिखता हूँ मैं राउंड ब्रैकेट। ठीक है ना, सिंपल? ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, हमें अभी सीखना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये टॉपिक होगा अभी, ऑफ इंटरवल्स। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे बोला जाएगा। यूनियन को मोस्टली ऐसे और के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और इसका सिंबल होगा कुछ ऐसे यू शेप में, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, वी हैव टू टेक ऑल रीजन। कौन से रीजन की बात हो रही है? नंबर लाइन वाले रीजन की बात हो रही है, हमें सब कुछ कवर करना होगा इसमें। वेयर एज अगर मैं इंटरसेक्शन पे बात करूं, तो इंटरसेक्शन पे सिंबल कीवर्ड इज एंड, और इसका सिंबल होगा ऐसा उल्टा वाला यू। इसमें क्या करेंगे? इसमें आप कॉमन वैल्यूज लेंगे, टेक कॉमन रीच, ठीक। चलो एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इंटरसेक्शन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हो। क्या हो रहा है इस बार? मैं दो दो इनइक्वालिटी को साथ में लिख रहा हूँ बस। थोड़ी देर पहले तो सीखा नंबर लाइन, तो क्या करना है? पहले आपको ग्रेटर देन टू बोलना है ना, ठीक है, कर देते हैं। तो ये मार्क किया मैंने 2, इसको किया शेड, और इससे गए आगे। लेस देन इक्वल्स टू 5, तो लेस देन इक्वल्स टू 5 में क्या करूंगा? चलो 5 के पीछे जाऊंगा। 5 लेना है क्या? हाँ लेना है ना, 5 के पीछे। कितना पीछे? माइनस इन्फिनिटी तक। मालूम ही नहीं है कितना पीछे जाना है, पीछे जाते जाएंगे। अब बताओ ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया कौन सा है? क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पे एंड का सिंबल दिख रहा है, और एंड का सिंबल दिख रहा है तो क्या करना होता है एंड के सिंबल के लिए? एंड के सिंबल के लिए वी हैव टू टेक कॉमन एरिया। तो
कॉमन एरिया जहां पे ग्रीन और ब्लू दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ये रहा, तो दिस इज अवर कॉमन एरिया। नाउ बताओ आंसर क्या लिखो, फिर कहां से कहां तक जा रहे हो। आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू 2,5, 2 इंक्लूडेड होगा, 5 भी इंक्लूडेड होगा, है ना सिंपल, मैं बोला पहले ही। एक और देखो फिर, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 0, इसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ये लो फिर से फटाफट आ गया, ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपको चाहिए 2 से बड़ा वैल्यू, तो 2 इधर 2 लेना है क्या, इंक्लूड करना है क्या, ना आगे गए कहाँ तक गए, ऐसे इन्फिनिटी तक गए, लेस देन 0 अभी बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन 0 को मार्क किया, 0 लेना है क्या, 0 नहीं लेना है, कहाँ तक जा रहे हो, पीछे इन्फिनिटी तक जा रहे हो। अब बताओ सोच के कॉमन एरिया क्या आएगा, सोचो सोचो कॉमन एरिया क्या आएगा, ऐसा कौन सा एरिया है जो ग्रीन भी है और ब्लू भी है, मिला कुछ नहीं, मिलेगा कोई ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, देयर इज नो कॉमन एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, कुछ भी बोलो चलेगा, बट कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, ये बात थी बस सिखाने के लिए। अगर मैंने दिया x ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x लेस देन 3, इसे प्लॉट करना है हमें नंबर लाइन पे, तो ये रही नंबर लाइन आपकी मस्त में, इन्फिनिटी जाते हुए माइनस इन्फिनिटी जाते हुए, ग्रेटर देन माइनस 2 बोला जा रहा है, तो ग्रेटर देन माइनस 2 के लिए ले लेता हूँ ब्लू कलर, फिर ये मार्क किया माइनस 2 और मैं गया इससे आगे, माइनस 2 के आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब जाना है मुझे 3 के पीछे, 3 इंक्लूड करोगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया, इक्वल थोड़ी दिया है वहां पे, पीछे गए। अब देखो कॉमन एरिया आ रहा है क्या, एंड बोला था ना बीच में, कॉमन एरिया आ रहा है, यस आ रहा है, दिस इज कॉमन एरिया, तो आंसर क्या बन गया, आंसर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2,3, माइनस 2 नॉट इंक्लूडेड, 3 भी नॉट इंक्लूडेड। तो मेरे ख्याल से मैंने इंटरसेक्शन वाला तो सही तरीके से क्लियर कर लिया है, देखो पॉज करके वीडियो लिख सकते हो आप लोग ये। आगे फोर्थ वाला एग्जांपल, तो फोर्थ वाले में x ग्रेटर देन 2 दिया है मैंने और x लेस देन 5 बोला जा रहा है, तो ध्यान से और बोला है मैंने, गलती ना कर देना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो पहले तो बोल रहा है 2 से आगे जाइए, ठीक है 2 लेना है, नहीं लेना है, तो 2 से आप गए आगे, ये आगे आ गए, फिर करना है 5 से पीछे, ये रहा 5 और ये गया 5 से पीछे, अब बताओ क्या करोगे, आंसर क्या है 2 और 5 के बीच में, सोचो जरा थोड़ी देर, अब मुझे आंसर बताओ क्या आना चाहिए। जिस किसी ने 2 और 5 के बीच में सोचा है बॉस, बहुत बड़ा गलती हो गया, क्या गलती हो गया, आपको और लिखा हुआ दिखानी है शायद से, और है यहाँ पे, और के लिए क्या सिखाया था, और के लिए सिखाया था पूरा रीजन कवर करना है, टेक
ऑल द रीजन, मतलब दैट मीन्स आपको पूरा शेड करना होगा, कहाँ से कहाँ तक सर? आपने ग्रीन दिख रहा है पीछे तक जा रहा है, ब्लू दिख रहा है आगे तक जा रहा है, तो ये शेड पूरा होगा। ये पूरा ग्रीन ने कवर कर लिया और बचा हुआ ब्लू ने कवर कर लिया, तो मुझे बताओ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा आपके लिए। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, इंफिनिटी इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, या फिर कोई ऐसा लिख जाएगा तो एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब भी यही होता है ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सारे नंबर कवर हो गए। अब जो कोई ये सोच रहा है कि सर टू थोड़ी कवर हुआ है, नहीं कवर हुआ है, टू ब्लू ने कवर नहीं किया, टू किसने कवर किया? फाइव ने कवर किया, लेस देन फाइव बोला है तो लगे हाथ टू भी कवर हो गया उसमें, क्योंकि टू तो है ही ना उसके अंदर, और ग्रीन वाला फाइव ग्रीन ने कवर नहीं किया, ये ब्लू ने कवर किया फाइव का। तो इसलिए जो कोई सोच रहा है कि टू और फाइव नहीं आएगा, वो ध्यान से सुनना, ग्रीन सॉरी फाइव कवर किया है ब्लू ने, ब्लू के एरिया ने ये नंबर फाइव को ले लिया, और टू जो नंबर है वो आपके ग्रीन के एरिया ने लिए, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब फिफ्थ यहाँ पे है एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू और एक्स ग्रेटर देन फाइव, सोच सकते हो आप लोग भी, है इजी तो है, अभी तो आ गया समझ में, एंड कैसे अच्छे से समझ में आ गया, अभी और भी आ जाएगा। और के लिए क्या करना है, कुछ सोचना भी नहीं है इसमें, तो जितना दिख रहा है उतना ले लेना है बस। ये बोल रहा है टू से कम, ओके तो मैं गया और टू पे मार्किंग कर ली, टू लेना है, हाँ लेना है, टू से कम गए पीछे कितना, माइनस इंफिनिटी तक, फाइव से ज्यादा ठीक है, फाइव से ज्यादा, फाइव लेना है नहीं लेना है, कहाँ तक जाना है? इंफिनिटी तक। अगर मैं यहाँ पे एंड देता ना तो प्रॉब्लम होती, एंड पे इश्यू होता, क्योंकि एंड में कॉमन एरिया निकालना होता है, कॉमन एरिया कुछ नहीं आ रहा है, बट मैं तो दे रहा हूँ और। तो और के लिए क्या करते हो आप? और के लिए जितना आ रहा है उतना ले लेते हो, सब लेना है, सब बटोरना है अभी। तो क्या आंसर हुआ आपसे? तो आंसर हुआ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके टू, माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, टू आएगा, यूनियन फाइव कॉमा इन्फिनिटी, फाइव नहीं आएगा इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, था ना इजी? अब ये वाला आप लोग ट्राई करिए, एक्स लेस देन वन यूनियन एक्स ग्रेटर देन थ्री, आप सोच के देखिए क्या आ रहा है, और आप खुद ही करेंगे ये सॉल्व। और जितना मैं समझ रहा हूँ इसका आंसर ओरली भी आ सकता है, थोड़ा दिमाग चलाओगे ओरली आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आना तो चाहिए बॉस। तो तीन एग्जांपल एंड के ले लिए, तीन एग्जांपल और के ले लिए मैंने, अब क्या करना है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है अपने को और मिक्स करते हैं अभी सम्स को, कैसे देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स ग्रेटर देन टू एंड एक्स लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स, ये हो गया मेरा एक ब्रैकेट, ये तो इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा, एंड एक्स ग्रेटर देन फोर, अरे ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट है नहीं डिफिकल्ट, इजी है। तो करना कैसे है अभी? काम बहुत सिंपल है, पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ये वाले ब्रैकेट पे, ये वाले ब्रैकेट का पहले आंसर निकाल लेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट के पास से। तो इसका पहले आंसर सोचिए आप लोग, तो
इसके आंसर के लिए मैं फटाफट नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि आंसर जल्दी से आ जाए। आप गए इन्फिनिटी पे, यहाँ पे आप गए माइनस इन्फिनिटी पे, यहाँ पे आप बोलोगे टू से बड़े वैल्यूज ये लो, टू टू लेंगे क्या, टू तो नहीं लेंगे आप, और आगे गए क्योंकि ग्रेटर बोला है टू से, फिर आप लेस देन टू पे जा रहे हो, ठीक है लेस देन सिक्स पे, सॉरी सिक्स, सिक्स लेना है नहीं लेना है, पीछे गए। अभी क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग वाला एरिया जहाँ पे दोनों चीजें कॉमन होंगी, है क्या कोई ऐसा कॉमन एरिया, हाँ है ना ये वाला। तो इसका मतलब अब मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट का मेरा आंसर आया एक्स जो है टू और सिक्स के बीच में है, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी इक्वल कैसे आएगा, गलत लिख दिया मैंने, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल थोड़ी टू थोड़ी लेना है आपको, तो एक्स लेस देन टू लेस देन एक्स लेस देन सिक्स, ये मुझे आंसर आ गया फर्स्ट ब्रैकेट का। बट आंसर इंटरसेक्शन निकालना है एक्स ग्रेटर देन फोर के साथ में, तो अभी काम क्या होगा, अब फिर से नंबर नया नंबर लाइन लेना पड़ेगा, ये रहा नया नंबर लाइन, इन्फिनिटी तक गए माइनस इन्फिनिटी तक गए, प्लॉट किया 2,6, ठीक है 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 2 लेंगे नहीं 6 लेंगे नहीं, बीच के सारे एरिया ले लेंगे, सिर्फ 2 और 6 नहीं लेंगे आप, फिर ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 4, ठीक है तो हम गए और ग्रेटर देन 4 को मार्क किया, तो ये आ गए यहाँ पे 4 और मार्क किया और उठ के आगे चले गए, ग्रेटर देन बोला है 4 से, 4 से बड़े वैल्यूज, 4 से बड़े वैल्यूज तो 4 के आगे होते हैं। अब दोनों के बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में वी रिक्वायर इंटरसेक्शन, इसका मतलब हमें चाहिए कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया ना, तो मेरे ख्याल से ये वाला एरिया कॉमन है दोनों में, अगर ये वाला एरिया समझ में आ गया है तो आपका आंसर भी आ गया, आंसर x belongs to 4,6, 4 included नहीं है, 6 भी included नहीं है, था ना सिंपल। तो दिखने को सबसे पहले ऐसा लगेगा अरे इतना बड़ा सम क्या करना है क्या करना है, बट रहता तो इजी है। अब एक और सम, एट्थ प्रॉब्लम, अभी मैं लिख रहा हूँ 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, ये एक ब्रैकेट, यूनियन 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हमें दोनों एरियाज निकालने होंगे और उनको यूनियन में जोड़ना होगा, यूनियन मतलब दोनों के एरियाज को साथ में लिखना होगा, ठीक है पहले एक एक करके तो करें, तो लेट अस प्लॉट देम। तो यहां पे गया मैं, ये बोल रहा है 1 और 3 के बीच में, ओके तो ये आ गया मेरा 1, ये आ गया मेरा 3, और इन दोनों के बीच में 1 और 3 को इंक्लूड करके बीच में ये आ गए आप यहाँ पे, फिर दूसरे वाले में बोल रहा है 2 और 4 के बीच में, ठीक है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है 2 और 4 के बीच में, तो ये रहा 2 ये रहा 4 और दोनों में से दोनों ही लेना है, ठीक है दोनों ले लिया, और ये रहा एरिया, तो ये वाला एरिया पूरा कवर करना है बेसिकली, और यहाँ पे भी 1 और 3 के बीच का सब एरिया कवर करना। अब इन दोनों को मिला के क्यों,
हमें इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो मिलाना तो पड़ेगा इन लोगों को। तो इन दोनों को मिला के एक नया नंबर लाइन आएगा। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा ही लाइट है। तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को मर्ज करना है अभी। यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे। तो ये वाला पिंक वाला एरिया में पहले बना लेता हूँ। ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 3, 1 इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, और उसका एरिया ये रहा। फिर मुझे चाहिए 2,4। ओके, ये रहा 2, ये रहा 4। 2 लेना है, हाँ लेना है, 4 भी लेना है, हाँ लेना है, ये रहा उसका एरिया। अब आप खुद ही सोच के बताओ और में करना क्या होता है। और में दोनों के आंसर्स को मर्ज करना होता है सिर्फ। तो इतना ही देखना है कि शेड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ शेड 1 से हो रहा है 2 तक, 2 से 3 तक, 3 तक, 4 तक हो रहा है ये। तो आई विल से 1,4, 1 इज इंक्लूडेड, 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग का यूनियन और इंटरसेक्शन कवर होता है। था तो इजी, इसमें भी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होने चाहिए। और ये रहा आप लोग का अभी असाइनमेंट। असाइनमेंट राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल, राइट फॉलोइंग इन इंटरवल। सो पहला क्वेश्चन, एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 2। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। थर्ड क्वेश्चन, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 3, और ये यहाँ पे मैंने किया क्लोज, एंड लगाना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड राइट इन इंटरवल। मतलब उसी का ही भाई है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स ग्रेटर देन 2, ये तो मेरे ख्याल से सब ओरली आना चाहिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। 1
लेस देन एक्स लेस देन 3, देन वी हैव 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फोर एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, फिफ्थ 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सिक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, सेवेंथ 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, एट 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 4, नाइन 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4, 10 माइनस 8 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 4, ओके। फिर एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ phi less than a less than 6 and minus 2 less than b less than 3, then आपको बताना है कि a plus b कहां से कहां तक होगा और बताना है a minus b कहां से कहां तक होगा। फिर थोड़े से एमसीक्यू टाइप में आप बताएंगे। तो क्वेश्चन है पहला, इफ ए ग्रेटर देन बी देन पिक करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2a ग्रेटर देन 2b, सेकेंड ऑप्शन है माइनस 3a ग्रेटर देन माइनस 3b, थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए लेस देन बी देन वही देन आपको वही करना है, पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स को। तो मैं भी वो नहीं लिख रहा, तो बताना है कौन सा सही है, ए अपॉन टू ग्रेटर देन बी अपॉन टू सही होगा या माइनस ए अपॉन टू लेस देन माइनस बी अपॉन टू सही होगा या माइनस थ्री ए लेस देन माइनस थ्री बी सही होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। थर्ड, इफ A less than B, then कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ऐसा भी हो सकता है कि दो भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, दिस इज नॉट सिंगल चॉइस आंसर। एक मिल गया तो खुश मत हो जाना, आगे भी सोचना है, चारों ऑप्शन पे दिमाग चलाना पड़ेगा। दिस इज मल्टीपल चॉइस, वन अपॉन ए ग्रेटर देन वन अपॉन बी, इफ ए बी ग्रेटर देन जीरो, सी माइनस वन अपॉन ए ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन बी, इफ ए बी लेस देन जीरो, एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं।
चलो एक थोड़े से और ऑप्शन ऐड कर देते हैं क्या इसमें। थोड़े से और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, तो ए प्लस फाइव लेस देन बी प्लस फाइव होगा क्या, ये पता करना है आपको। फिर ए माइनस फाइव लेस देन बी माइनस फाइव सही है क्या, नहीं पता करना है। ठीक है, ये अभी आपके पास छह ऑप्शन आ गए, चेक कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा नहीं कि सिंगल ऑप्शन सही होंगे, मैंने जो चार तीनों एमसीक्यूज दिए हैं एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ओके चलो, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस सेशन।